कहीं घर की छत उड़ी तो कहीं पल भर में ही पूरा का पूरा घर ढह गया। एक तूफान आया और न जाने कितने ही लोगों की जिंदगियों को उजाड़ गया। पश्चिम बंगाल में आए इस तूफान में जनहानि की भी घटनाएं सामने आई हैं। 4 लोगों की मौत और 100 के करीब लोगों के घायल होने की खबर है। हर कोई इस घटना से चिंतित है। पीएम मोदी ने इस घटना को लेकर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी संवेदनाएं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी इलाकों में तूफान से प्रभावित लोगों के साथ हैं। उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। अधिकारियों से बात की और उनसे भारी बारिश से प्रभावित लोगों की उचित सहायता सुनिश्चित करने को कहा। मैं बीजेपी बंगाल के कार्यकर्ताओं से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए आग्रह करूंगा। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने बताया कि इस घटना को लेकर उनकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। There has been loss of life, injuries have been there, houses have been damaged, crops have been damaged. We are all concerned about it. Yesterday itself, I had a detailed discussion with the National Disaster Management Authority members and the secretary. They have been requested to supply reinforcement by way of men and materials if need be. They are all ready. All the agencies are acting together in unison. And as we know, my honorable esteemed constitutional colleague, the Chief Minister, has also reached the place. I will be there. I will visit the field, interact with the officials concerned, and understand the woes faced by the people. Then we'll take whatever decision is required, bring them mitigation and relief. The 4 people died at this incident. Yeah, that's what the report says. Yes. The last report that in this incident, in this cyclone, the 4 people died till now and several are injured and they are admitted to many hospitals. It's very, very unfortunate. We will certainly see what best can be done to those who are in the hospitals. Everything that is possible will be done. The nation is ready. Bengal is ready. स्थानीय लोगों ने मौके पर क्या अनुभव किया, जरा इसे सुनिए। अचानक से जोर से हवा आया, उसके बाद जितना झाड़ हुआ पूरा टीन पूरा उड़ गया, एक आदमी उधर मर गया और बहुत नुकसान हुआ इधर। कितना नुकसान हुआ है आप लोगों का? तो होटल का तो बहुत नुकसान हुआ, सब होटल पूरा होटल एकदम खत्म हो गया। लोगों के रेस्क्यू में लगे कार्यकर्ता बताते हैं कि कितने घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, वहीं रेस्क्यू कार्य अभी भी जारी है। जनहानि की घटनाओं में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। जलपाईगुड़ी जिले के बहुत सारे क्षेत्र में मैनागुड़ी विधानसभा जलपाईगुड़ी विधानसभा में तूफान की वजह से बहुत जो नुकसान हुआ, जितना मकान था मकान ढह गया और बहुत सारे कैजुअल्टी हुआ हुआ है यहाँ पे। अब तक हॉस्पिटल में 57 आदमी एडमिट हो चुके हैं, 2 आदमी लाते हुए मर चुके हैं, उनके ऊपर पेड़ गिर गए थे और मृतक की संख्या और बढ़ने वाले की आशंका की जा रही है। और कैजुअल्टी अभी भी रास्ते में है, ऑन द वे वो लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल में। अभी उद्धार का चल रहा है वहाँ पे, हमारे जो कार्यकर्ता हैं सब जगह लगे हुए हैं और उन लोगों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, हम लोग हॉस्पिटल में करें। आपको बताते चलें कि इस तूफान में घायल हुए लोगों का हाल जानने के लिए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अस्पताल पहुंची थी। यहां उन्होंने डॉक्टरों से घायलों की हालत को लेकर जानकारी भी ली।